ऋषभ भाई क्या चला क्या चला। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे ब्रो। ऋषभ वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। विश वेरी हैप्पी बर्थडे ऋषभ पंत, आई जस्ट वांट टू विश यू गुड लक एंड डू वेल इन द फ्यूचर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे ऋषभ, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस आईपीएल। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ऋषभ। हेलो ऋषभ भैया कैम छो, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। सामने एक स्विमिंग पूल बोलेंगे या जो भी कुछ बोलेंगे, तो उसने मेरी चप्पल उसमें फेंक फेंक दी थी लास्ट ईयर। वो बोलता कुछ है करता कुछ है, तो वो एक जो चीज है वो किसी को समझ में नहीं आती कि वो का इक्का जो है। वो कभी भी अगर रूम में तीन लोग होते हैं तो वो चार लोग का खाना मंगवाता है, फिर मैं उसके साथ लड़ता भी हूँ, क्या कर रहा है यार, इतने कौन खाएगा इतना सारा खाना, लेकिन वो लोग खा लेते और फिर वापस मुझे सुनना पड़ता है। ये हमारी थोड़ी हंसी मजाक चलता रहता है, हम एक दूसरे की लेते रहते हैं। हमेशा एंजॉय करता है वो अपना कैप्टनसी को, खासकर फील्ड में बातें करता है, काफी हंसी मजाक करता है वो सभी प्लेयरों के साथ, हमेशा एंजॉय करता है। जो तेरा करेक्टर है हंसी मजाक वाला वो हमेशा सेम रहती है, और तो ऐसा एक इंसिडेंट तो नहीं है, बट अगर मैं कभी सोचने पर आया तो मेरे को लगता है कि उस चीज की हम किताब लिख सकते हैं। वो कोई भी चीज लगातार नहीं करता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि किसी चीज से एडिक्ट नहीं होता है। आई थिंक कीप कंटिन्यू ब्रो। तुमने हमेशा मुझे बैक किया है और हमेशा मुझे अपनी गलतियों का एहसास बताया है कि तूने ये गलती की, और मुझे प्राइज भी किया। जैसे आज मैंने अच्छी बॉलिंग की तो आज उन्होंने वेल बॉल भी बोला, जहां जरूरत पड़ती है तो वहां मुझे सिखाता भी है वो कि इस टाइम तू इस कंडीशन में ऐसी बॉल डाल सकता था, तो ये काफी अच्छा लगता है। जैसा तू बबली चबली जो भी है वो वही रही हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई पीपल लव यू, दैट्स व्हाई वी लव यू। एंजॉय कर, मस्ती कर जैसा करता है और वैसे ही खेल जैसा खेलता है। आई विश कि आपकी कप्तानी में हम लोग इस बार ये आईपीएल जीते, और मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ऑल द वेरी बेस्ट।